अब तक अपने नाम और काम के लिए जाना जाने वाला जेएनयू अब उन हंगामों के लिए सुर्खियों में है जो रोजाना सामने आ रहे हैं। कभी फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाने पर छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, तो कभी कुछ नकाबपोश गुंडे पूरे कैंपस में हाहाकार मचाते हैं। 5 जनवरी की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब छात्रों को निशाना बनाया गया। उस वक्त से पूरे देश की कई यूनिवर्सिटीज जेएनयू छात्रों के समर्थन में आ गई हैं और अब जेएनयू की घटना के खिलाफ विदेशों में भी आवाज बुलंद की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जिस ख्वाब के साथ बनाया गया था, आज वो ख्वाब राजनीतिक गुंडागर्दी के चलते धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि कैंपस में उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही है। नकाबपोश बदमाश बेधड़क कैंपस में घुसकर हंगामा कर रहे हैं, छात्रों और टीचर्स को निशाना बनाया जा रहा है। रविवार को जब ये सभी तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश में रात से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही जगह जगह लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने पुलिस और जेएनयू प्रशासन के सामने हुई इस बर्बर घटना का विरोध किया। अब तक विरोध के सुर सिर्फ भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटी से ही सुनाई दे रहे थे, वहीं अब जेएनयू में हुई गुंडागर्दी के खिलाफ विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में उबाल देखा जा रहा है। जी हाँ, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू हिंसा के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है। भारतीय मूल के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने इस प्रदर्शन की तस्वीर साझा की, जिसमें कुछ छात्र हाथ में बैनर और तख्ती लेकर जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने जेएनयू छात्रों के प्रति समर्थन जताया और हिंसा की आलोचना की। राजनीति से लेकर बॉलीवुड सितारों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं जेएनयू में नकाबपोश लोगों द्वारा स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ मारपीट की घटना को नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि धूमिल हो रही है। मुझे लगता है कि जिसे भी देश की छवि की फिक्र है, वो हर भारतीय अब चिंतित होगा। साथ ही बनर्जी ने सरकार से अपील की कि जेएनयू हमले की घटना का सच सामने लाया जाए। आपको बता दें कि जेएनयू मामले को लेकर रविवार रात से ही मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचकर जेएनयू छात्रों का समर्थन किया, लेकिन फिलहाल अभी ये प्रदर्शन गेटवे ऑफ इंडिया से हटाकर आजाद मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पुणे के FTII, AMU, कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के साथ ही DU और जामिया के छात्रों ने भी हमले के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये आवाज जल्द शांत नहीं होने वाली। DB Live की रिपोर्ट।